तो मैं पीयूष यादव का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के वो कैप शो में और सरकारी वैकेंसी हब के आपके अपने चैनल पर। देखिए सबसे पहले आप बताइए मुझे कि अभी तक के जो दो सेशन लिए ना वो कैप वाले आपको कैसे लग रहे हैं? मजा आ रहा है ना पढ़ने में? मजा आ रहा है ना पढ़ने में? बिल्कुल उसी जोश के साथ हम लोग डेली इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। देखिए आपके सामने आज मैं पांच वर्ड पहले से लिख रखे हैं, आपके सामने पहले से पांच वर्ड लिख रखे हैं। आप बताइए आपको इनमें से पांचों में से कितने वर्ड आते हैं? पढ़ लीजिए, पांचों वर्ड पढ़ लीजिए, बताइए आपको पांचों में से कितने वर्ड आते हैं। अगर आपको पांच में से पांच वर्ड आते हैं ना, आप बहुत अच्छे बच्चे, आप बहुत ही ज्यादा अच्छे बच्चे। अगर आपको चार आते हैं, आप उनसे थोड़े से अच्छे बच्चे हैं। जिसको एक भी नहीं आता ना, जिसको एक भी नहीं आता वो मेरी नजर में सबसे अच्छा बच्चा है, क्योंकि मैं उसे यहाँ सिखाने वाला हूँ। और जिनको पांचों के पांच आते हैं ना, वो भी इस सेशन को जरूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सिनोनिम्स भी तो मिलते हैं। हो सकता है आपने ये पांचों वर्ड सुने हो लेकिन उनके सिनोनिम्स आपको नहीं पता हो। ठीक है, पहले वर्ड से शुरू कर ले। पहले वर्ड से हम लोग शुरू करते हैं। पहले वर्ड क्या लिखा हुआ है? पेंचेंट। पेंचेंट आपके सामने लिखा हुआ है। पेंचेंट, 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 पेंचेंट। क्या सुनाई दे रहा है? क्या सुनाई दे रहा है? पंचायत सुनाई दे ना, पंचायत, पंचायत। अपना देश है, अपना देश है ना। आप खुद देखिए, आपके आसपास जितने मोहल्ले वाले होते हैं ना, सबको क्या पसंद होता है? सबको क्या पसंद होता है? पंचायत लोगों को बहुत पसंद होती है। लोग पंचायत लगा के बैठे रहते हैं। पंचायत से पंचायत याद आता है। पंचायत से पंचायत से क्या याद आता है भाई? पंचायत याद आती है। और हमारे लोगों में पंचायत को लेकर कितना मजा रहता है, वो पंचायत को लव करते हैं, उन्हें अफेक्शन है भाई पंचायत से। इंक्लाइन लाइन सुनिए ना आपने। इंक्लाइन लाइन क्या होता है? तिरछी, झुकी हुई सी रेखा होती है ना, झुकी हुई, झुकाव वाला, मतलब कि इंक्लाइनेशन। तीनों वर्ड आपका पंचायत को दिखाते हैं। पंचायत मतलब पंचायत, पंचायत से आपको क्या याद आएगा? अपने देश में पंचायत वाले कितने लोग हैं, सब पंचायत को लव करते हैं, अफेक्शन है उनके लिए, इंक्लाइनेशन है। या फिर अगर मैं कह दूं इन माई नेशन, लोग पंचायत को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो पहला वर्ड हमने कितना इजी वे में समझ लिया, समझाना। अगले वर्ड को देख लेते हैं। अगले वर्ड हमारे सामने क्या देखा है? डिनाउंस। इससे रिलेटेड वर्ड आपने जरूर सुना होगा। डिनाउंस से रिलेटेड वर्ड आपने क्या सुना है? डिनाउंस से रिलेटेड वर्ड आपने क्या सुना है बताइए? आपने डिनाउंस से रिलेटेड वर्ड क्या सुना है? अनाउंस सुना होगा, अनाउंस सुना होगा, अनाउंस। खुद बताइए, आपका जब बहुत अच्छा कोई काम हो जाता है ना, आपका जब कोई बहुत अच्छा काम हो जाता है ना, तो आपके घर वाले भी मोहल्ले में अनाउंस करते हैं कि मेरा बच्चा ये हो गया, मेरा बच्चा हो गया। सबसे ज्यादा पड़ोसी करते हैं आपके कि मेरा बच्चा तो ये हो गया, लेकिन आपका क्या कर रहा है? मतलब जो भी अच्छे काम होते हैं ना, उसका वो अनाउंसमेंट करते हैं, उनका अनाउंसमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये डिनाउंस है ना, डिनाउंस है। अच्छे कामों का अनाउंस होगा तो बुरे कामों का क्या होगा? डिनाउंस होगा, निंदा होगी, भर्त्सना होगी, मतलब क्या होगा? रेप्रीमांड होगा, रेप्रीमांड होगा। अगर आप कोई कांड करेंगे ना तो आपका रेप्रीमांड होगा। अगर आप कोई कांड करेंगे आपका रेप्रीमांड होगा, आप कोई कांड करेंगे आपका रेप्रीमांड होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, रेप्रीमांड होगा अगर आप कोई। और कोर्ट में अगर आप जाते हैं, कोर्ट में किसी को अगर कोई सजा दी जाती है तो क्या कहते हैं? दिस इज कंडम टू डेथ, मतलब मैं कंडम टू डेथ, इस तरह से वर्ड बोलते हैं। मतलब वो क्या करता है? वो उस मर्डर की भर्त्सना कर रहा होता है। मतलब कि इसका क्या मतलब हो गया? निंदा करना, निंदा करना। एक बार फिर से देख लें, अनाउंस होगा अच्छे काम होगा, डिनाउंस का क्या होगा? निंदा लोग करेंगे आपकी अगर आप, और उसके बाद रेप्रीमांड आपने कर दिया कोई कांड, लोग करेंगे आपका रेप्रीमांड। और कंडम्ड, कंडम का मतलब भी सेम होता है, निंदा करना। अगले वर्ड की तरफ देख लेते हैं, केयर्स। केयर्स देखे ना इस वर्ड के ऊपर, आपने इससे मिलता जुलता भी एक शब्द जरूर सुना होगा। कौन सा वर्ड आपने सुना है? केयर सुना होगा, केयर, 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 केयर। डबल एस और लग गई, मतलब केयर, आपकी कोई केयर कर रहा है, आपका कोई देखभाल कर रहा है। और उसमें डबल एस मतलब बहुवचन मैंने उसको बना दिया, मैंने उसको और ज्यादा बढ़ा दिया, किसी की केयर में बहुत ज्यादा करने लगा। तो मतलब वो आपसे क्या करने लगा है? वो आपसे प्यार करने लगा है भाई, वो आपसे प्यार कर रहा है। वो क्या करता है? वो आपसे क्या करता है भाई? लाड़ प्यार करता है, लाड़ प्यार करता है, वो आपसे लाड़ प्यार करता है भाई, लाड़ प्यार करता है, केयरिस करता है। इसका आपने और कौन सा वर्ड सुना है? कौन सा वर्ड सुना है? बच्चे को जब आप खिलाते हैं ना, आप जब बच्चे को खिलाते हैं तो आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? आई प्ले विद लिटिल बॉय, मतलब आप वो बच्चा को फुटबॉल है कि आप खेल रहे हो उस बच्चे के साथ, लाते मारेंगे बच्चे में कि वो बॉल हो रहा है, आपने बैट बॉल खेल रहे हो उसके साथ। प्ले नहीं लगाते वहां, क्या लगाते हैं दोस्त? कड़ल लगाते हैं। जितने भी बाबू सोना वाले बच्चे होंगे ना, उन्हें कडल का मतलब पता होगा। कडल क्या होता है? टच जेंटली, टच जेंटली विद अफेक्शन, टच जेंटली विद अफेक्शन, किसी को टच करना अफेक्शन के साथ, दैट इज कॉल्ड कडल। लाड़ प्यार करना, लाड़ प्यार करना। समझ में आ रहा है ना? तीन वर्ड बिल्कुल आसानी से समझ रही है। हर एक वर्ड को आप
जितने भी बड़े यहाँ पर आपको कराए जाते हैं ना, आप मेरे हिसाब से अगर आपने उनको याद करने की कोशिश की ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप कभी उन वर्डों को भूलेंगे नहीं। कहीं भी आपके सामने आ जाएंगे ना, तो ये वाली ट्रिक आपके सामने तुरंत माइंड में आएगी। केयर्स, केयर से कैसे ध्यान आ रहा है कि भाई केयर तो होती है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा होने लगी। कोई अगर आपके बहुत ज्यादा केयर कर रहा है तो वो आपसे क्या करेगा, आपकी मम्मी हो गई, आपकी मुन्नी हो गई, क्या करेगी, प्यारी तो करेगी ना। अगला वर्ड मैकियावेलियन। देखिए प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में हमेशा ऐसा रहना चाहिए कि आपको उसकी स्पेलिंग ना याद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला का क्या सोचेगा। आप अपना प्रोनाउंसिएशन ऐसा रखिए, क्योंकि अभी आपको पढ़ना है, आपको एग्जाम देना है, जब एग्जाम दे लेना तब प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी काम कर लेंगे। अभी तो हमें स्पेलिंग याद होनी चाहिए, वो एग्जाम में पूछी जाती है। मैकियावेलियन, मैकियावेलियन देखिए किससे मिलता जुलता वर्ड बनना है, मक्षी, मक्षी वाली है ना, कैसी है, वैली है, वैली। मक्षी वाली कैसी है, वैली। मक्षी वाली कैसी है, वैली। मच्छी वाली, मच्छी वाली कैसी है भाई, वैली है, वैली। मतलब कैसी है, बेकार है भाई, दुष्ट है। कैसी है, कनिंग है। आपके कान में करती रहे तो कैसी हो जाएगी, कनिंग हो जाएगी। आपके कान में लगातार मच्छर की तरह गुनगुनाती रहे ना, तो वो कैसी हो जाएगी, कनिंग हो जाएगी, दुष्ट हो जाएगी, दुष्ट हो जाएगी ना, कनिंग। बिल्कुल बिल्कुल। एक और वर्ड होता है, एक और वर्ड होता है डेसिटफुल, 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 हेटेडफुल, हेटेडफुल, हेटेडफुल। देखिए प्रोनाउंसिएशन जब आप इसको लगातार बोलेंगे ना, आपके माइंड में कुछ चीजें अपने आप आने लगेंगी। डेसिटफुल बोलिए, डेसिटफुल, डेसिटफुल, सुनने में लग रहा होगा ना हेटेडफुल, 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 मतलब इसको पूरी तरह से हेट कीजिए। मतलब क्या कीजिए, हेट कीजिए। कौन लोग हेट करेंगे, किससे हेट करेंगे आप, पूरी तरह से जो दुष्ट होगा, जो पापी होगा ना, उससे आप हेट करेंगे। मतलब क्या, कनिंग, डेसिटफुल, सेम मीनिंग, मैकियावेलियन, मैकियावेलियन का मतलब क्या, मच्छी वाली तो वैली है भाई, बहुत ज्यादा दुष्ट है। मैं उसको 200 रुपए देता हूँ तब वो मुझे इतनी सी मच्छी देती है, तो मच्छी वाली कैसी है, हमारी दुष्ट है। अगला वर्ड हमेशा की तरह लास्ट वर्ड जो हम अपना करते हैं ना, बहुत ज्यादा कैसा करते हैं, फनी वाला करते हैं। लास्ट वाला वर्ड हम कैसा करते हैं भाई, फनी वाला करते हैं। ये देखिए, ये तो अपनी किससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट, 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 तीन चार बार बोल के देख लीजिए, गवर्नमेंट, 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 गवर्नमेंट। क्या समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट, 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 हाँ भाई गवर्नमेंट समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट समझ में आ रहा है, पॉलिटिशियन समझ में आ रहा है भाई। पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियंस क्या करते हैं भाई, जब देखो ना, जब देखो तब सिर्फ खाने पर जोर देते हैं, खाने पर जोर देते हैं, किसे पैसा खाते हैं, वो पैसा खाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, खाते हैं, खाते हैं, कौन खाता है भाई, पेटू खाता है, पेटू, खाने पीने का शौकीन, खाने पीने का शौकीन। वर्ड इधर उधर मत कर देना, वर्ड इधर उधर मत कर देना, क्योंकि क्या निकल जाएगा, हमारा लड़का खाता पीता है। लेकिन अगर आपने वर्ड चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, हमारा लड़का पीता खाता है, शादी नहीं होगी। इसलिए वर्ड का बहुत बड़ा महत्व है, खाने पीने का शौकीन, पीने खाने का नहीं है, ये खाने पीने का शौकीन है। पेटू है, पेटू क्या है, वो एपिक्योर है, वो एपिक्योर है, वो एपिक्योर है। समझ में आ रहा है ना, पांचों वर्ड हमने देख लिए, पांचों वर्ड हमने इस सेशन में देख लिए। होप आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा। कोई भी वर्ड एक बार फिर से देख लेते हैं। पंचायत, पंचायत से याद रहेगा, अपने देश के लोग क्या करते हैं, पंचायत करते हैं, मतलब पंचायत से उन्हें लगाव है भाई, इंक्लाइनेशन है। डिनाउंस, आप अच्छे काम करेंगे होगा अनाउंस, लेकिन बुरे करेंगे तो क्या होगा, डिनाउंस, मतलब निंदा होगी, रेप्रीमांड होगा। केयर्स, 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 कडल, 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 मतलब क्या समझ में आ गया होगा। मैकियावेलियन, मच्छी वाली कैसी है भाई, दुष्ट है, धूर्त है, हमने क्या लगा दिया, कनिंग है। गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट कैसी होती है भाई, पेटू, खाने पीने की शौकीन होती है, वो पैसा खाते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई खाने पीने की बात कर रहा है, फूडी कह सकते हैं इसको, फूडी भी आप बोल सकते हैं। तो हमने इस सेशन में देखिए पांच वर्ड को आज हमने फिर से देख लिया है। मिलेंगे हम कल वाले सेशन में। सेशन अगर पसंद आ रहा है ना तो शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने जितने आपके दोस्त पढ़ रहे हैं, जितने भी आपके भाई बंधु जो भी है, आप उस वहां तक वीडियो को पहुंचाइए। आपका अपना चैनल है, जितना ज्यादा आप लोग प्यार देंगे ना उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलता है दोस्त, जितना ज्यादा आप लोग प्यार देंगे उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। जिस ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में फिर इसी जोश के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।